वेलकम टू खान जायका। मैं हूँ हिना खान। तो आज हम बना रहे हैं चावल और गुड़ का लड्डू विंटर स्पेशल, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जिसने रिक्वेस्ट किया है उसका नाम है आसमा सिद्दीकी। बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी है। हमने यहाँ पे शुगर का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में लिया है 2 कप राइस फ्लावर, मतलब चावल का आटा, 3 बड़े चम्मच खोबरे का बुरादा, 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। तिल ऐड करने से बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आता है और अच्छा जायका आता है लड्डू का। अब हम इसको रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे करीबन 10 मिनट के लिए। बहुत ही हल्का सा कलर इसका चेंज होना चाहिए, ज़्यादा कलर ना चेंज हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये राइस फ्लावर अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम गुड़ का मिक्सचर रेडी करेंगे। उसके लिए हमने लिया है 1 कप गुड़। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर और 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। मिक्स करना है और करीबन 1 या 2 बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। इस सिरप को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस 1-2 बॉईल आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम ये सिरप ऐड कर देंगे चावल के आटे में। गरम ही हमें ऐड करना है, ठंडा बिल्कुल ऐड ना करें। और हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच घी का। घी भी पिघला हुआ है और हल्का गरम है, और स्पून की हेल्प से हमें इसको मिक्स करना है क्योंकि मिक्सचर अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये लड्डू का जो टेस्ट है ये सभी को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं और हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम हाथ की हेल्प से मिक्स करेंगे। इन केस अगर आपको लड्डू का शेप बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसमें आप और 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर सकते हैं गरम, या आप अपने हाथों पे घी लगा के लड्डू का शेप दे सकते हो। फाइनली हमारे चावल और गुड़ के लड्डू तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। खान जायका को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन भी ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।